ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण पटवारी एंड बहुत सारे आईआई के स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेरी डाला था कि सर आप हमको ये बताइए कि हम लोग किस तरीके से अभी लास्ट 60 डेज में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो आईआई का ना बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आईआई का एकदम बहुत ही सिंपल मंत्रा है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपका अभी तक एक बार सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नवंबर एग्जाम्स का जो अनाउंसमेंट है वो आ चुका है, वो होम बेस्ड होगा, बट जो CMCS CD एग्जाम्स है वो आपका MCQ में होगा और उसमें पेपर बी भी होगा, एंड जो बाकी सारे एग्जाम्स है वो होम बेस्ड होंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है ना, आप एक चीज समझो कि आप सबने हमसे ट्रेनिंग ली है, तो हमारे पास जो CMCS CD लेवल है उसका हमने बहुत सारा MCQ डाला है, तो वो MCQ आपको सारा सॉल्व करना है। क्योंकि देखो एक होता है क्वेश्चन सॉल्विंग और एक होता है MCQ प्रैक्टिस, तो MCQ प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और MCQ क्या है ना, आप देखेंगे हमारे पोर्टल में हमने अप्रोक्सीमेटली सारे कोर्सेज के लिए 1000 से भी ज्यादा MCQs डाल दिए हैं। तो जब आप एक MCQ प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका कैसा नॉलेज लेवल है उस टॉपिक में एंड आपको कितना टाइम लग रहा है MCQ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि जो आईआई के स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग ये गाइड करते हैं कि खाली इंस्टीट्यूट का पास पेपर कर लो, खाली आईआई का पास पेपर कर लो, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन जो आएंगे, आईआई का पास पेपर करना इम्पोर्टेंट तो है, बट पहले पूरे कंटेंट को एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन 60 डेज में आपको अपना कंटेंट भी कवर करना है और आपको मतलब आपको पास पेपर्स भी करने हैं, सब कुछ करना है, तो मैं ये बोलूंगा इंस्टीट्यूट का हर चैप्टर का जो बैक क्वेश्चन होता है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट मैट में हर चैप्टर का बैक क्वेश्चन में इफ देर आर 10 क्वेश्चंस तो उसमें 1 2 3 4 तक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होता है, तो वो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन आप करो तो दैट विल बी अ गुड रिविजन स्ट्रेटेजी। एक्स और वाई असाइनमेंट करो, पेपर बी में जितना भी सारा असाइनमेंट हमने कराया है वो IFOA का भी करना है पेपर बी में आपको, एंड आईआई का तो करना ही है, ठीक है ना। आईआई से क्लियर करने का एक फुल प्रूफ जो स्ट्रेटेजी है, आप 40 डेज तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम है नवंबर 20 को, ठीक है ना, तो नवंबर 20 से पहले 40 डेज, मतलब लास्ट का जो 40 डेज होगा ना उसमें आप इंस्टीट्यूट का ही पेपर सॉल्व करना, आईआई का ही पेपर सॉल्व करना, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये है किक नंबर वन। दूसरा किक है कि आपको डरना नहीं है एग्जाम से, क्योंकि अधिकतर बच्चे आईआई एग्जाम का ना रिजल्ट देख के डर जाते हैं, बट अब रिसेंट पास में देखोगे तो पेपर भी उतना टफ नहीं आया है और अभी तो MCQ भी हो गया, हायर लेवल एग्जाम का भी अगर हम लोग बात करेंगे, ऐसे लेवल पेपर तक का भी अगर हम लोग बात करेंगे तो रिजल्ट अच्छा है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि ज्यादा ज्यादा एक्चुअरीज बने क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सबसे दूसरा जो किक है वो है आपको डरना नहीं है। तीसरा जो बात है कि आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, जैसे हायर लेवल एग्जाम्स जो है, जैसे आपका CP1 हो गया, SP हो गया, ऐसे हो गया, उसमें टाइपिंग प्रैक्टिस का बहुत रहेगा, बट जो लोअर लेवल एग्जाम्स है उसमें आपको MCQ करना है तो आपको टाइपिंग नहीं करना है, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा वहां पर। उसके बाद में आपको पेपर बी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पेपर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट आईआई स्टूडेंट के लिए। बहुत जन मेरे को बोलते हैं कि सर हमारा रूटीन नहीं बन पा रहा है, अभी आप बताइए हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपका कितना चैप्टर हो गया, आपका कितना चैप्टर हो गया सबसे पहले वो देखो, आपका जो जो चैप्टर्स बचा है उसके हिसाब से पहले तो आप ये टारगेट बनाओ कि आने वाला आप ये समझ लो 20 दिन में आपको कैसे अच्छे से अपना बैलेंस पोर्शंस को खत्म करना है, और आपको टाइम एलोकेशन जो करना पड़ेगा ना वो चैप्टर के हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मान लो आप एक चैप्टर है जिससे मान लो 10% वेटेज है उसमें आप 20 दिन लगा दिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, आपको टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, दिस इज किक नंबर थ्री। और आपको डरना नहीं है, ये देखो आपको अभी बहुत तकलीफ होगा, आपको अभी बहुत प्रेशराइज फील होगा, बहुत सारा काम आ जाएगा आपका एग्जाम के बीच में, आपका एग्जाम डेट इंतजार नहीं कर रहा है, पहली बात याद रखिएगा, मतलब आपका एग्जाम डेट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है,
तो आपको एग्जाम तो उसी दिन को देना है। आप जितना टाइम वेस्ट करोगे आपको आगे जाके उतना प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि सर मेरा तो अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ, अगर मैं 2 महीना के एकदम मन से श्रद्धा से ऑनेस्टली पढ़ूंगा आपके लेक्चर्स करूंगा तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? रैंक आ सकता है, ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकता है, मैंने देखा है। लेकिन आपको सच्चे मन से पढ़ना पड़ेगा और ट्राई करो कि दिन में अपना एक एक टाइम बनाओ जिसमें आप पूरा एकदम अच्छे से खाली आप एकांत में बैठ के पढ़ रहे हैं। फोन वोन सब हटा दो, फोन वोन सब हटा दो। चौथा जो किक है जो मैंने बहुत टाइम फॉलो नहीं किया बिकॉज आई एम अ फूडी, ओके, बट मैं आप लोग सबको एडवाइस करूंगा कि आप लोग हेल्दी खाइए। मतलब आप जितना हेल्दी खाएंगे ना आपको उतना नींद कम आएगा। खाओ कम, ठीक है ना, पढ़ो ज्यादा, तो क्या होगा, नींद कम आएगा। बाहर का मत खाओ, तला भाजा भी मत खाओ, तो क्या होगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा पूरा दिन, आपके शरीर में फुर्ती रहेगा। अच्छा अच्छा चीज खाओ, नट्स खाओ, लाइक फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ जितना हो सके, तो क्या होगा, आपको एनर्जी रहेगा तो पढ़ने का इच्छा करेगा आपका, ठीक है। तो एक जन क्वेश्चन पूछ रहे सर शुड बी फोकस ऑन द बुकलेट क्वेश्चंस। देखो बेटा मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, बुकलेट का जो है ना रिसेंट का जो आप समझ लो 10 टर्म का जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। बुकलेट भी इंपॉर्टेंट है, देखो बुकलेट तो आपका कवरेज में आ ही रहे ना, आप जब तक आईएफओ का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो लास्ट 10 टर्म का तो क्वेश्चन करना ही चाहिए, और मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने पूरा अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो लेक्चर्स तो सबको पूरा करना ही चाहिए। देखो बेटा आप अपना एक सॉलिड करियर बना रहे हो, तो मेरे को पर्सनली ये लगता है ना कि अभी आप ये मत काउंट करो कि आप कितना देरी पढ़ रहे हो। आप हमेशा ये सब कैलकुलेशन में आ जाते हो कि मेरे को 8 घंटा पढ़ना ही है, नहीं, आपको अच्छे से पूरा दिन पढ़ना है। आप अभी एकदम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो कि आपको एक्चुअली बनना ही है, और एक्चुअली बनने के लिए अभी नवंबर में आपने जो एग्जाम के लिए रजिस्टर किया वो एग्जाम तो आपको देना ही है। अभी इस पॉइंट पे आके बहुत लोग वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीक वीक क्यों हो जाते हैं, वो लोग को लगता है यार कि ना मेरा ना उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा ना, मई में एकदम अच्छे से पढ़ के दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है। आप कभी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। आपको क्या करना है, लगे रहना है और अच्छे से मेहनत करनी है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनको लगेगा यार मेरा तो टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूंगा, मेरा ऑफिस है, मेरे को बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, मेरे घर पे शादी है, यार सब चीज इंतजार कर सकते हैं। किसी का शादी है वो नहीं इंतजार करेगा, बट आपका जाना उतना जरूरी नहीं। मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है, देखो करियर सबसे पहले है, लोग आपका रेस्पेक्ट तभी करेंगे। आज आप लोग सब मेरा रेस्पेक्ट तभी करते हो जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ लाइफ में, मतलब हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म करता है, मैं आपकी बातें सुनता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सर कैन बी स्टार्ट सेवन प्रिपरेशन नाउ एंड पास, बेटा ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। अगर आप दिन का 10 10 घंटा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका 1 1.5 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप करने को कुछ भी कर सकते हो, भगवान का अंश है आपके अंदर में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आस्क मी एनीथिंग का सेशन है आज IAS स्टूडेंट्स के लिए। देखो बेटा मैं ये जानता हूँ कि कोई भी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए 2 महीने का समय चाहिए होता है, वो 2 महीने का समय आज है, तभी मैं आज आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। मेरे को सिर्फ इतना पता है आपको एकदम सच्चे मन से पढ़ना पड़ेगा। मेरा CA फाइनल का स्टोरी ये है कि लोग मेरे को बोलते थे कि प्रवीण 2 महीने का टाइम है, तुम अभी CA फाइनल का प्रिपरेशन नहीं कर सकता है, लोगों को सालों लग जाते हैं, बट मैंने किया 2 महीने में, मैं फेल हुआ, मेरे को पता चला कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर वर्क किया, मैं 2.5 महीने में अच्छे से पढ़ के CA फाइनल क्रैक, एंड मेरा बहुत अच्छा नंबर आया था। आपको फ्लो में प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते हो कि यार कल थोड़ा पढ़ लेंगे, वैसा नहीं चलेगा। आप कभी भी ना डेफर का मत सोचो, और कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरा ट्रायल है, वैसा नहीं है, आपका ये फाइनल शॉट है, आपको अच्छे से करके आपको एग्जाम क्लियर करना, ये माइंडसेट से करो। डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकअप प्लान इन योर माइंड, ठीक है ना, वैसा नहीं है, तो वो सब बैकअप प्लान मत सोचो बेटा। आप हमारा फ्रेश बैच जो भी चालू हो रहा है वो आप ज्वाइन करोगे ना, तो बेसिकली नवंबर एंड का हमारा कंप्लीशन है, तो आप ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ लाइव कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो, और हमेशा आपके लाइफ में क्या होगा, देखो सुख और दुख दोनों समान भाव से आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सुख को भी उसमें बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई दिन आप 8 घंटा पढ़ लिया, आपका बहुत प्रोडक्टिव डे निकला, तो सेलिब्रेट करो, बट उसको सर पे मत चढ़ने दो, ठीक है ना। एवरी डे रिमेंबर, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे एग्जाम का प्रिपरेशन हो, एवरी डे रीसेट योर सेल्फ टू जीरो। आज मैंने अपने एक ट्रेडर दोस्त से मैं मिलके आया, वो मेरे को बहुत अच्छा बहुत बोला, बोला प्रवीण क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, बट जस्ट द नेक्स्ट डे या फिर जब हम लोग जस्ट द नेक्स्ट मंथ व्हेन आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो, आई डोंट हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि यार मेरा हो चुका है। ये रंगमंच है और आपको इसमें हर दिन परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा, बहुत सिंपल है।
बेटा मैंने सब आंसर दे दिया है, एमसीक्यू का मैंने आंसर दे दिया है। हम लोग आपको पूरा एमसीक्यू हमारे पोर्टल पे ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको हमारे पोर्टल पे जाना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो अब क्लासेस लेना चालू करेंगे आईआई फोकस। आई होप सो आईआई फोकस क्लासेस बहुत जल्दी चालू होंगे नेक्स्ट वीक से, एंड उनमें हम लोग आईआई का पास्ट पेपर कराएंगे और उनमें बहुत सारा चीज हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे। ठीक है, मैं भी क्लास लूंगा, शिवांगी मैं भी थोड़ा बहुत क्लासेस लेंगी, तो हम लोग मिक्स करके कराएंगे ऑल द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। हम लोग पहले आईआई का पास्ट पेपर पे फोकस करेंगे लास्ट 10 सेकंड का। 2019 से 2024 का पेपर तो आप मिस ही नहीं कर सकते, वो तो आपको एकदम अच्छे से करना ही है, वो तो आपको एकदम अच्छे से करना ही है। ठीक है ना, अब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए मेरा मेरा सिंपल सा एक ही चीज बोलना है ऑफिस जाने वाले लोगों को कि यार देख मैं भी ऑफिस के साथ ही पढ़ाई किया हूँ, तेरा जो स्टोरी है वो बहुत लोगों का स्टोरी है। ठीक है, खाली एमसीक्यू हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, सॉरी, इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लिया है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा यूएसपी, हमने बहुत इन्वेस्ट किया है, पैसा भी इन्वेस्ट किया है, टाइम भी इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है तो वो एडमिशन ले सकता है, उसमें उसको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो पॉइंट ये है बच्चा कि तेरे को ये समझना पड़ेगा, जो भी ऑफिस गोइंग है मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई देख मैं भी काम के साथ ही बड़ा बनाऊं, और सब लोग वैसे ही करते हैं। कोर्स का तो स्ट्रक्चर ही वैसा है, कोर्स का स्ट्रक्चर ही क्या है कि भाई अपने को काम के साथ पढ़ाई करना है, अपने को काम के साथ पढ़ाई करना है, तो अपने को वही चीज करना है भाई। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे, ये सिर्फ तेरे मन में है यार, सब कुछ तेरे मन में है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं। एंड प्लीज हैक नंबर 5, जो हैक नंबर 5 6, पता नहीं कितना नंबर है क्या ये, आपको सबसे बड़ा बात जो है ना कि आपको यार पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम अबकी बार क्लियर हो जाएगा, देखना ऑटोमेटिक आपका माइंड वैसे चलना चालू हो जाएगा एंड आप एक पास स्ट्रैटेजी अपनाने लग जाएंगे। ठीक है ना, मन में कभी भी नेगेटिविटी मत लाइए, यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रहा। ठीक है ना, सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी डिसिप्लिन। माई नॉर्मल रूटीन इज वेरी बोरिंग, आई एम टीचिंग द सेम कॉन्टेंट अगेन एंड अगेन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ओके, एंड आई एम गोइंग ऑन स्पीकिंग द सेम काइंड ऑफ मोटिवेशन विच आई गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स, आई गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द पास्ट। द लाइफ इज क्वाइट बोरिंग बट आई नीड टू डू इट, यू नो सक्सेस ओनली कम्स फ्रॉम डूइंग द थिंग्स विच यू डोंट वॉन्ट टू डू। एक्सरसाइज करने का इच्छा नहीं कर रहा है, करोगे तो सक्सेस मिलेगा। गंदा खाना खाने का इच्छा कर रहा है, नहीं खाओगे तो सक्सेस मिलेगा। पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, करोगे तो सक्सेस मिलेगा। जॉब के संग पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो ये सब बातें हैं भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। ठीक है, अपने को त्यागना पड़ेगा तभी जाके अपना लाइफ सक्सेस होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, आज मेरे पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, बट सब क्या एक्चुअली बनेंगे, द आंसर इज नो। आज आपके सर्कल में 10 दोस्त होंगे, सब क्या सक्सेस होंगे लाइफ में, द आंसर इज नो। ठीक है ना, मेरे को बहुत तकलीफ होता है उन बच्चों को देख के जो अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके माँ बाप इतना पैसा खर्चा करते हैं फिर भी वो पढ़ते नहीं है, उनको सारे रिसोर्सेस होने के बाद भी उनका मन चंचल है, वो पढ़ाई नहीं करते। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, दे आर वो बूढ़े हो रहे हैं यार, उनको आपको एक अच्छा लाइफ देना है, उनको अच्छा लाइफ देने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई नो, आई हैव बीन थ्रू दैट, बहुत डिफिकल्ट होता है वो फेज में जब घर वालों को लग रहा है कि यार ठीक है चल तो रहा है, आपको भी पता है बहुत सारा घर से भी प्रेशर होगा, तुम क्या कोर्स कर रहे हो, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, इस कोर्स में कोई फ्यूचर है कि नहीं है, तुम्हारा जॉब तो लग जाएगा ना, तुमको खुद में कितना सेल्फ डाउट होता होगा, लोग बोल देते होंगे, दूसरों की तरक्की देख के तुमको जलन नहीं बोलूंगा बट तुमको भी मन करता होगा ना कि यार मेरा भी ऐसा हो, मेरा भी प्रवीण सर जैसा हो, मेरा भी ऐसा हो। वो ऐसा होने के लिए बेटा लाइफ में बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत घिसना पड़ता है, उसके लिए मैंने कभी टाइम नहीं देखा। आज संडे है, 8:30 बज रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा बाहर गया था, आने के तुरंत बाद मैं सेशन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे अंदर एक भूख है, मेरे अंदर एक भूख है और मैं अपने काम को बहुत पैशन से करता हूँ। अभी आपके पास में काम है नहीं है पता नहीं, आपके पास में भी पढ़ाई है, वो आपको बहुत पैशन से करना है। ठीक है, बेसिकली अभी जो हमने बैचेस चालू किए हैं वो अप्रैल में 2025 अटेम्प्ट के लिए है, ओके ना, एंड उसमें आईआई आईएफओ दोनों के बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही होता है, तो बेसिकली देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज कराया है,
हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अभी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे आपके लिए, मैं भी लूंगा, शिवांगी मैम भी लेंगे, अंकित सर भी लेंगे, ठीक है, जितने भी सारे फैकल्टीज हम लोग जी जान लगा देंगे, हमारा जो भी सारा डाउट क्लास होगा वो सारा चीजें अटेंड करो अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेटली मान्य गुप्ता रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स है CS2 का, वो आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हो। इट इज जस्ट हाफ द प्राइस दैट वी आर टेकिंग फॉर द फुल कोर्स, 16,000 समथिंग का है वो आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से, ठीक है। तो बेटा मैं प्लीज चल आउट नवंबर 24 एग्जाम बैच। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही तो मैंने नवंबर 24 का तो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, वही तो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखो मैं जानता हूँ एक्सपीरियंट माइंडसेट कैसा होता है, मैं पूरा समझता हूँ। आज पता है मैं आपसे मन की बात, भूमि गुप्ता दिल्ली बैच का टाइमिंग हमारे सोशल मीडिया पे आ चुका है और हमारे फोरम जो है ना, हमारा डैशबोर्ड जो है, आई होप से जिन बच्चों ने हमसे एडमिशन लिया है सबका डैशबोर्ड चालू हो गया होगा। सर द न्यू बैच ऑफ CS1, या संगीता आई एम ऑल्सो टॉकिंग इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, या देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। सर द न्यू बैच ऑफ CS1 इन दिल्ली इज फॉर नवंबर 24, डियर यू कैन ज्वाइन दैट बैच, ओके नो प्रॉब्लम, बट आई कैन नॉट गारंटी द सिलेबस कंप्लीशन, ओके, बिकॉज लाइक वी हैव टारगेटेड नवंबर एंड, तो बेसिकली योर एग्जाम इज समवेयर नवंबर मिड, सो यू विल बी नॉट कंप्लीटिंग द लास्ट ऑफ द पोर्शंस, लाइक द लास्ट 30% अराउंड। बेटा देखो गौरव संधू, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आज जो चीज आपको मुश्किल लग रहा है ना बेटा, कल आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल होगा। एंड ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी, पता है आप मैनिफेस्ट करो, आप अपने आप को देखो कि आप बन चुके हो, तभी वो चीज वर्क करेगा आपके लिए, नहीं तो वो चीज वर्क नहीं करेगा। अपने बारे में बच्चा कभी भी नेगेटिव मत सोच, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत सोच, जी जान मेहनत करो। मैं आपको अपना स्टोरी बताऊं, क्या बताऊं आपके अपने बारे में, रात के 2 से 5 भी पढ़ाऊं, रात के 11 से 2 भी पढ़ाऊं, 6 से 9 भी पढ़ाऊं, सुबह 3 से 6 भी पढ़ाऊं, सुबह 4 से 7 भी पढ़ाऊं, बच्चा आज भी मैं सुबह 5 बजे से पहले उठ जाता हूँ, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि लाइफ में आपका एक एग्जाम क्लियर हो गया तो बस अब हो गया, या फिर आपका जॉब लग जाएगा तो हो जाएगा। जैस्मीन आनंद, आई फील एक्सेल का अलग से क्लास हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड कोर्स विच इज हाफ द प्राइस, ओके, एंड इन दैट बोथ द लेक्चर्स ऑफ CM1A एंड CM1B आर इंक्लूडेड एंड यू गेट अ 6 मंथ एक्सेस फॉर दैट, ठीक है। सो सर आई हैव टेकन CB2 एंड CS1, सो डियर इट्स बेसिकली समथिंग्स नीड टू क्लैश, राइट, समथिंग्स नीड टू क्लैश, सो यू नीड टू मैनेज, एंड बेसिकली लाइक आई वील बी टीचिंग सम ऑफ द टॉपिक्स ट्वाइस, सो वेन वी आर डूइंग इन कैलकटा सेंटर और दिल्ली सेंटर, सो यू कैन मैनेज, राइट, एंड इफ द टाइमिंग्स आर क्लैशिंग, तो वट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली डू द लाइव क्लास फॉर द मेजर पेपर, एंड यू कैन डू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर द माइनर एग्जाम, एंड देन बेसिकली यू कैन क्लियर योर डाउट्स, ओके डियर। आई डोंट नो रफली 2 to 3 to 4 क्वेश्चन आर देयर विच कम, ओके, तो बेसिकली जिनका भी देखो बेटा हर चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, एंड नर्वसनेस अगर है तो उसको क्लियर करो ना बेटा, इतना प्रैक्टिस करो, इतना इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि बस, मैं बता रहा हूँ बेटा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट। ऐसे ड्यू प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर गिविंग, नहीं बेटा, हम लोग सेंटर, अपने सेंटर पे एग्जाम नहीं वो करते हैं, ठीक है ना, वी आर वेरी क्लीन इन दिस मैनर, ठीक है ना, सो हम लोग अपने सेंटर पे नए बच्चों को बुला के एग्जाम ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है, तो वो कोई भी फैसिलिटी हमारे पास में वैसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो होम बेस्ड एग्जाम है, वो आपको घर से ही देना है, ठीक है। तो मैं आपसे आज मन का बात जो करने आया हूँ ना, तो मैं बहुत सच बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है यार कि आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट होगा, आपको लगेगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लगेगा कि यार लाइफ में कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आज यहाँ पर मेरे साथ में 100 लोग जुड़े हैं, ठीक है, आप मेरे को मन से बताओ किसको किसको ये लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। हैंड रेस करो, किसको किसको ये लगता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। बेटा ऐसे नहीं होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सही जगह पे मेहनत करना पड़ेगा बेटा, आपको सही जगह पे मेहनत करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, होता है, और मेहनत किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। मेहनत आज के दिन पे अभी आपको जो चीज लग रहा है ना कि यार मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है,
देखना होगा, और ऐसा होगा ना तुम देखना बस खाली, लेकिन आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, 3 to 4 questions कमिंग CM1 एग्जाम पेपर, इन पेपर बी एंड रफली इन पेपर ए, लाइक इट विल बी टोटल ऑल MCQ, तो कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज दे हैव सेड 1 नंबर का भी MCQ होगा, 2 नंबर का भी MCQ होगा, 5 नंबर का भी MCQ होगा, तो कितने क्वेश्चन आएंगे वैसा बोलना बहुत मुश्किल है। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, आप ये समझ लो कि 40 to 50 questions तो आने ही चाहिए, ठीक है। लाइक 1 नंबर के 30 question दे देंगे वैसे टाइप के। हाँ मतलब CMCSE भी तो 100% MCQ है। हाँ जो लोग 2 पेपर दे रहे हैं, मैं कुछ टिप्स बता देना चाहता हूँ कि 2 पेपर को बैलेंस में पढ़ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो माइंडसेट होता है कि यार एक पेपर तो अपने अच्छे से पढ़ के देंगे और दूसरा पेपर में अपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा। तुमको दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे के पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में ट्राई करो, अगर तुमको दोनों पेपर पढ़ने का इच्छा है तो दोनों पेपर पढ़ो, अगर तुमको एक पेपर पढ़ने का इच्छा है तो एक पेपर पढ़ो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे ऊपर में कि तुम्हारे लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करता है, ठीक है। बट सच बात करें तो आप अच्छे से करोगे ना दोनों पेपर को, तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप दोनों पेपर को ऐसे ट्रीट करते हो अनइक्वल, एक पेपर अच्छे से और एक पेपर खराब से, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज कंसर्न है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं सॉरी सर, ये सॉरी फुल MCQ कैन बी अरेंज फॉर। हाँ डेफिनेटली अंशुमन, कैसा बात कर रहे हो, मैंने कभी आज तक आपका साथ छोड़ा है अंशुमन? ना मैं कभी छोड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग आपके लिए पूरा फुल मॉक टेस्ट, पूरा फुल मॉक टेस्ट आपके लिए पूरा अच्छे से अरेंज करेंगे एज पर II पैटर्न, ठीक है। तो उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा फुल मॉक टेस्ट। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि आपको मेहनत करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। हाँ जो देखो बेटा, सबसे ज्यादा वेटेज की जहाँ बात आती है, तो MCQ का सबसे बड़ा खास बात है कि वो लोग पूरा इक्वल डिवीजन करेंगे। बट अगर आपको ये समझना है कि कहाँ से आ सकता है ज्यादा करके, तो CS1 का अगर मैं बात करूँ तो टुवर्ड्स दी एंड के जो चैप्टर्स है ना उससे अच्छा खासा आएगा। GLM हो गया, बेजियन हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, EBCP हो गया, ठीक है ना। तो इससे काफी अच्छा पोर्शन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अब जो मॉक टेस्ट जो II का जो होगा ना, वो हम लोग अक्टूबर में कंडक्ट करेंगे, अक्टूबर मिड में हम लोग कंडक्ट करेंगे, एक 10 दिन का हम लोग विंडो करेंगे, ठीक है ना। और 2 मॉक टेस्ट मैं करूंगा CMCSCB के लिए, एंड जो हायर लेवल एग्जाम्स है उनके लिए तो सबको पता ही है कि एक फुल मॉक टेस्ट हमारे तरफ से रहेगा विद डिटेल्ड वैल्यूएशन, ठीक है ना। तो उसका आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। सो ऐसा नहीं है राघव, बिल्कुल नहीं है कि MCQ है तो हायर कट ऑफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इट्स अ बेसिकली इट्स बेसिकली अ कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, राइट। उनको पता है कि उनको 20% लोगों को निकालना है, एंड अगर उनको 20% लोगों को निकालना है तो वो अकॉर्डिंगली ही पेपर सेट करेंगे। तो वो चीज पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि भाई आज अगर कोई एक पेपर है, अगर उसमें मेरे को 30% लोगों को निकालना है, फिर 40% लोगों को निकालना है, देन देयर इज स्केलिंग एक्सेट्रा, तो वो चीज होता है, उसके हिसाब से पेपर सेट होता है। बट इन सब चीजों से राघव ज्यादा जरूरी ये है आपका प्रिपरेशन। आपको ये नहीं, आपको ये सोचना है कि यार अगर एक भी जन पास हो रहा है तो मैं तो उसमें हुई। पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो बहुत बार ऐसा अभी वीक मोमेंट्स आएगा आपके लाइफ में आने वाला 60 डेज में, कि जब आपको लगेगा छोड़ हटा नहीं पड़ेंगे। आज ऐसे होता ही है नॉर्मली कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हटा यार नहीं पढ़ेंगे, छोड़ नहीं हो रहा, हटा हटा जो होगा देखा जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करना है, सब यही चाहते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को यार। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो CB3 डेफिनेटली आई विल जस्ट हैव अ लुक अबाउट द चेंज पैटर्न, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, नो प्रॉब्लम, ओके। वी विल गाइड यू,
जस्ट गेट इन टच विथ अस। या अभी तक तो आईएएम में 50 का पासिंग मार्क है, बट सिंस एमसीक्यू इज देयर तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा रिवैम्प हो, तो वो देखा जाएगा जो भी होगा। बट हाँ, एक्सेल का तो जैसा होता है वैसे ही होगा। बट बेसिकली आप ये समझो कि सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए ही एक्चुएटर्स ने पूरा डेडिकेटेड रिसोर्स लगाया है फुल टाइम, जो पूरा टाइम खाली एमसीक्यू ही बना रहे हैं। ठीक है सर, कैन यू प्रोवाइड पेपर पैटर्न फॉर CS1? तो बेसिकली पेपर पैटर्न तो मेरे पास है ही नहीं ना, बट दे हैव सेड दैट इट्स एमसीक्यू, 100% एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, तो उसके हिसाब से हम आपके लिए एक बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें 100% एमसीक्यूज होंगे। बेसिकली आप आईआई का अगर पास पेपर देखोगे तो पास में भी उन्होंने 40% तो एमसीक्यू था ही, तो जैसा क्वेश्चन था पास में वैसे ही टाइप का क्वेश्चन 100% हो जाएगा। और क्या, बहुत सिंपल है बेटा, ऑलरेडी एमसीक्यू है, चाहे रिकॉर्डेड बैच हो चाहे फुल बैच हो। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपके डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो 2 मंथ्स का रोड मैप ऐसा होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया। मिनिमम लास्ट का 30 डेज आप छोड़ दो, उस समय आप खाली आईआई का पेपर्स करोगे और रिविजन करोगे। तो अभी 30 डेज में आप देखो कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, फिर उसके बाद में आपको करना है एक्स और वाई असाइनमेंट एंड इंस्टीट्यूट मैट का बैक में जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है वो आपको करना है। एंड सिंस इंडियन इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा थ्योरी भी आता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। 2 महीने का रोड मैप बहुत सिंपल है, दिन का 8-8 घंटा करके पढ़ाई करो। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो 4 घंटे ही मिलते हैं, तू 4 तो पढ़ पहले अच्छे से, वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज कर, बाहर आना जाना थोड़ा बंद कर दो। ठीक है ना, लगेगा शुरू का 10-15 दिन लगेगा यार कि क्या कर रहे हैं, बहुत बोरिंग हो गया है यार, सक्सेस वाला लाइफ बोरिंग ही होता है। ठीक है ना, मैं कोई हर दिन पार्टी नहीं करता हूँ, बहुत नॉर्मल सी लाइफ है। नॉर्मल दिन में 12 घंटा 15 घंटा काम करता हूँ, सोता हूँ, फिर नेक्स्ट डे वापस रिपीट। ठीक है ना, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपको बता रहा हूँ, रूटीन डिसिप्लिन इज मस्ट। कुछ भी हो जाए, आधा घंटा पढ़े बिना सोना नहीं है। ठीक है ना, वो रूटीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, रोड मैप इज अगेन वेरी सिंपल, हैक्स मैंने आपको बताया है बेटा। ठीक है, सो डेफिनेटली मॉक्स अगर आपको थोड़ा टाइम बाद भी देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर एंड तक, नवंबर 1 वीक तक भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो लोअर लेवल एग्जाम है उसमें प्रेशर रहता है, वो तो अगर एमसीक्यू हो गया तो वो तो ऑटोमेटिक आपको स्कोर मिल जाएगा, तो उसमें मेरा चेकिंग का कुछ भी नहीं है। आई एम हैप्पी कि मेरा चेकिंग कम हो गया है, क्योंकि अब लोअर लेवल एग्जाम्स में एमसीक्यू हो गए तो वो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका, सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड जो मेरे को लग रहा है आईआई जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है वो डेफिनेटली आपके लिए एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेगा, बट अगर नहीं भी करता आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको एसओए का बोर्ड का भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहां से मैं आपको एक सैम्पल पेपर रेडी करके डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छा सा पेपर बना के दूंगा। ठीक है, तो वो आप टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा शॉर्ट सेशन। ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आज के लिए आया हूँ, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेट करो कि हाँ सर आप एक सेशन लो। हम लोग क्या करेंगे, आज आपका जो पोजिशन है ना आप वो देखो, हम लोग ठीक 10 दिन बाद मिलेंगे अब। तो इन अ स्पैन ऑफ 60 डेज व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं 6 सेशन लूंगा ऐसे, जहां हम लोग अपना प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जहां हम लोग अपना प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। सो मानिए प्लीज, मैं ये वीडियो डाल दूंगा कल, आप इसको पूरा अच्छे से एक बार देख लेना।